मुंबई के पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह का इस्तीफा, लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें। यूपी या मुंबई से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं सत्यपाल सिंह, बीजेपी या आप से खड़े होने की अटकलें। 1980 बेंच के आईपीएस अफसर थे सत्यपाल सिंह, 2015 में होने वाले थे रिटायर, इस्तीफा लेने वाले मुंबई के पहले पुलिस कमिश्नर बने। अगर सत्यपाल सिंह बीजेपी से जुड़े तो पूर्व गृह सचिव आर के सिंह के बाद पार्टी से जुड़ने वाले दूसरे हाई प्रोफाइल नौकरशाह होंगे। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के निशाने पर होंगे यूपीए के 15 मंत्री, 2012 में केजरीवाल ने की थी इनके इस्तीफे की मांग। इन मंत्रियों के खिलाफ उम्मीदवारों को लेकर आज से शुरू होगी रायशुमारी, आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आज माथापच्ची। 2012 में अन्ना की अगुवाई में केजरीवाल ने पीएम समेत यूपीए के 15 मंत्रियों के खिलाफ चार्जशीट की थी जारी। उन मंत्रियों में शामिल थे प्रणब मुखर्जी, चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, शरद पवार जैसे बड़े नाम, एसएम कृष्णा, कमलनाथ, विलासराव देशमुख, वीरभद्र, प्रफुल पटेल, फारूक शिंदे, वासन और अड़गिड़ी भी 15 मंत्रियों में थे शामिल। 15 मंत्रियों के खिलाफ 7 फरवरी को आप जारी करेगी उम्मीदवारों के नाम की सूची, इनमें से कई इस बार नहीं लड़ेंगे चुनाव। 15 की सूची में शामिल कई मंत्री इस बार नहीं लड़ेंगे चुनाव, उनकी जगह दूसरे मंत्रियों को टारगेट करेगी आप। आपके टारगेट 15 की सूची में शामिल प्रणब मुखर्जी बन चुके हैं राष्ट्रपति, विलासराव देशमुख का हो चुका है देहांत, मनमोहन सिंह और शरद पवार नहीं लड़ेंगे चुनाव, हिमाचल के सीएम बन चुके हैं वीरभद्र सिंह। इनके बदले आप जारी करेगी भ्रष्टाचार के आरोपों में शामिल दूसरे मंत्रियों के नाम, ए राजा, पवन बंसल और श्रीप्रकाश जायसवाल होंगे टारगेट पर। जल लोकपाल बिल को आज दिल्ली सरकार दे सकती है मंजूरी, आज केजरीवाल कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट में चर्चा से पहले जन लोकपाल बिल पर अड़ंगे की खबरें, सरकारी विभागों ने रखी करीब 20 आपत्तियां। दिल्ली के जन लोकपाल बिल के तहत डीडीए और दिल्ली पुलिस को रखने पर सवाल, केंद्र सरकार के अधीन हैं दोनों विभाग। जन लोकपाल बिल पर हो सकता है दिल्ली सरकार और केंद्र का टकराव, बिल पर गृह मंत्रालय की मंजूरी जरूरी। नियम के मुताबिक कैबिनेट की मंजूरी के बाद उपराज्यपाल के पास जाएगा बिल, मंजूरी के लिए फिर गृह मंत्रालय के पास भेजेंगे एलजी। बरखा सिंह को दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद को हटाने की दिल्ली सरकार की कोशिशों को झटका, उपराज्यपाल ने लौटाई फाइल। उपराज्यपाल नजीब जंग ने सीएम केजरीवाल से मांगी सफाई, कहा क्यों चाहते हैं बरखा को हटाना। केजरीवाल ने पहले बताई थी वजह, कोई नेता ना हो दिल्ली महिला आयोग जैसी संस्थाओं का अध्यक्ष। उत्तराखंड में पूरे हुए विजय बहुगुणा के दिन, आज दिन में दे सकते हैं इस्तीफा। केदारनाथ हादसे और राहत कार्य को लेकर उठ रहे थे बहुगुणा पर सवाल, हरीश रावत हो सकते हैं नए मुख्यमंत्री। समाजवादी पार्टी के उत्साही कार्यकर्ताओं का कमाल, मुलायम को बनाया कृष्ण और अखिलेश को अर्जुन। गोंडा में चारों तरफ लगाई गई है मुलायम और अखिलेश की कृष्ण अर्जुन वाली होर्डिंग, 3 फरवरी को है एसपी की रैली। होर्डिंग में स्थानीय विधायक विनोद कुमार को दिया गया है भीम का रूप, साथ में लगा है गुजरात का नक्शा। मुलायम सिंह यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण रूप में रथ में बैठे सवार हैं, उनके पीछे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, वो जो है अर्जुन रूप में हैं और कौरव का वध करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और भीम रूप में हमारे पंडित सिंह जी जो उनके जो है पूरा साथ देंगे। गुजरात के बारे में आप भी जानते हैं, सारी जनता भी जानती है, गुजरात में किसका 56 इंच का सीना चौड़ा है उसको हमारे पंडित सिंह यहाँ पर जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। कौरव कौन है, पांडव कौन है, इस बैनर से साफ नजर आ रहा है, हम 2014 में इसका जवाब देंगे। दिल्ली की सबसे बड़ी लूट में लूट का शिकार राजेश कालरा भी संदेह के दायरे में, पुलिस ने नहीं दी है क्लीन चिट। 28 जनवरी को लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के पास कालरा से हुई थी लूटपाट, 15 करोड़ लूटे जाने की अटकलें।
मैच फिक्सिंग स्कैंडल से भी जुड़े हैं राजेश कालरा के तार। कालरा पर भी था 2002 में हैंसी क्रोनियर को फोन करने का आरोप। लूट की गुत्थी सुलझाने में दिल्ली पुलिस कर चुकी है कालरा के दर्जन भर सहयोगियों से पूछताछ। इलाके की सीसीटीवी तस्वीरें भी खंगाली गई। लूट का हो सकता है दुबई कनेक्शन। लूट से पहले की रात कालरा ने दुबई के किसी शख्स से की थी लंबी बातचीत। दिल्ली में नर्सरी दाखिले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों की अर्जी पर सुनवाई। निजी स्कूलों को उपराज्यपाल की गाइडलाइंस पर आपत्ति। दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं दिया था स्टे। नर्सरी दाखिले में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने, नेबरहुड क्राइटेरिया शामिल करने पर निजी स्कूलों को आपत्ति। दिल्ली के नए विधायकों का दो दिनों का इंडक्शन सेशन शुरू। पहले दिन सिखाया गया कैसे बनते हैं कानून। राजधानी में बीजेपी का चुनावी शंखनाद। दिल्ली में एक नोट कमल पर वोट कैंपेन शुरू। 2014 चुनाव का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए राहुल गांधी ने की रायशुमारी। दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों से मिले। मुजफ्फरनगर दंगों के राहत कार्य पर मुलायम ने अखिलेश सरकार को दी शाबाशी। कहा किसी दंगे में इतना राहत कार्य नहीं हुआ। मुलायम बोले दंगा राहत कार्य पर खर्च हुए 115 करोड़ रुपए। दंगा पीड़ितों को 1 लाख के मुआवजे के साथ दी गई नौकरी। टोल नाका के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में राज ठाकरे के खिलाफ एक और केस। नवी मुंबई के वाशी थाने में मामला दर्ज। टोल के खिलाफ राज ठाकरे के बयानों का असर। राज के काफिले के गुजरने के वक्त खालापुर टोल नाका 5 मिनट के लिए हुआ फ्री। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी मीटिंग आज। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। कांग्रेस ने दी बिहार के सीएम नीतीश सरकार से समर्थन खींचने की धमकी। नीतीश की बयानबाजी से पार्टी आहत। नीतीश कुमार ने कांग्रेस को 84 के सिख दंगे और 89 के भागलपुर दंगे का बताया था जिम्मेदार। लालू से नजदीकी पर भी उठाए थे सवाल। बिहार में कांग्रेस के 4 विधायक हैं। समर्थन खींचने से भी नीतीश सरकार को खतरा नहीं। चिट्ठी विवाद पर शिवानंद तिवारी के खिलाफ जेडीयू नहीं करेगी कार्रवाई। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का बयान। ममता बनर्जी ने एक साथ बीजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा ना तो दंगा कराने वाली सरकार चाहिए और ना ही वंशवाद वाली। ममता ने ठोका दिल्ली की गद्दी पर दावा। कहा हम ही हैं विकल्प। ममता ने कहा करप्शन हटाओ देश बचाओ। दिल्ली में बदलाव की जरूरत। सोनिया गांधी की किशनगंज की सभा में हंगामा। उछाली गई कुर्सियां। किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तोहफा देने गई थी सोनिया। शिलान्यास के वक्त राज्यपाल डीवाई पाटिल भी थे मौजूद। मुंबई में 19 साल की लड़की के साथ रेप की सनसनीखेज वारदात। गैस पाइपलाइन की मरम्मत करने आए थे आरोपी। घर पर अकेली थी लड़की। गैस कंपनी के दोनों कर्मचारियों ने रेप के बाद घर में की लूटपाट। हुए गिरफ्तार। मुंबई के कलीना में मां का यौन शोषण करने वाले से बेटी ने लिया बदला। मामा से मरवाई गोली। फायरिंग के बाद भागने की कोशिश कर रहे थे मामा। भांजी को भीड़ ने पकड़ा। बदला लेने ब्रुनेई से आया था मामा। लड़की के मुताबिक आरोपी शख्स मानसिक रूप से बीमार। मां का 2 साल से कर रहा था यौन शोषण। उसके साथ भी की थी रेप की कोशिश। यूपी के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के गांव सेंडा फरीदपुर में 2 गुटों के बीच हिंसा के बाद सन्नाटा। 3 लोगों की हुई थी मौत। हिंसा की वजह को लेकर 2 तरह की खबरें। गन्ना काटने को लेकर 2 गुटों के बच्चों के झगड़े ने लिया हिंसा का रूप। कुछ लोगों के मुताबिक एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट की लड़की से की थी छेड़छाड़। हिंसा के बाद पहुंची पुलिस पर पथराव। अलीगढ़ के श्री वार्ष्णेय कॉलेज में प्रॉक्टर पर छात्रा को पीटने का आरोप। ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने गई थी छात्रा।
छात्रा की पिटाई के बाद लड़की के पिता के साथ धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, प्रॉक्टर ने किया घटना से इनकार। माता वैष्णो देवी के दरबार में भी धोखा, आरटीआई से खुलासा, बड़ी मात्रा में नकली सोना चांदी का चढ़ावा। 5 साल में वैष्णो देवी में करीब 43 किलो नकली सोने का चढ़ावा, करीब 58,000 किलो चांदी भी नकली। श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड ने कहा, नकली चढ़ावे में भक्तों का कसूर नहीं, मिलावटखोर हैं इसके जिम्मेदार। विशाखापट्टनम में मनाया गया सालाना फ्लोट फेस्टिवल, हर साल मौनी अमावस्या के दिन मनाया जाता है ये पर्व। बोकारो स्टील प्लांट का रंगारंग गोल्डन जुबली कार्यक्रम, सिंगर शान ने बांधा समा। तमिलनाडु में दर्दनाक हादसा, पैराशूट न खुलने पर महिला की मौत। स्काई डाइविंग की प्रैक्टिस के दौरान हादसा, विमान से 10,000 फीट की ऊंचाई से कूदी थी महिला। ऑटो एक्सपो में प्रगति मैदान के बजाय ग्रेटर नोएडा में लगेगा कारों का मेला, दिखेंगी 70 नई गाड़ियां। पुरुषों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल करने की मांग, देश में पहली बार उठी ऐसी मांग। देश में करोड़ों लोग यूरोलॉजी की अलग अलग समस्याओं से हैं पीड़ित, दिल्ली में नेशनल यूरोलॉजी सोसाइटी के सम्मेलन में उभरी चिंता। दिल्ली में शुक्रवार को कोहरे से मिली राहत, गुरुवार को कोहरे ने किया परेशान, कई इलाकों में सुबह तक दर्ज हुई जीरो विजिबिलिटी। कोहरे की वजह से आफत में दिखे लोग, सड़क पर रेंगते नजर आए वाहन। घने कोहरे की वजह से रेल और हवाई यातायात पर असर, देर से चल रही हैं कई ट्रेनें। एनसीआर में भी कल शाम छाया रहा धुंध, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद के लोग हुए बेहाल। मौसम विभाग का अनुमान, 2 और 3 फरवरी को हो सकती है बारिश। बोलिविया में भारी बारिश के बाद सैलाब का कहर, कई इलाकों में भरा पानी। राजधानी लापाज में बाढ़ का कहर, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 40 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 24,000 लोग बेघर। बोलिविया में सलीजा के 12 घंटे की लगातार बारिश से घरों में भरा पानी, बाढ़ में कई मवेशियों की मौत। कल शुरू हो गया चीन का नया साल, रंगारंग आतिशबाजी से शुरू हुआ नया साल। जापान के योकोहामा में चीनियों ने किया नए साल का भव्य स्वागत, चाइनीज कैलेंडर के मुताबिक 2014 है ईयर ऑफ हॉर्स। चिली की राजधानी सैंटियागो के एक घर में तेंदुए के घुसने से हड़कंप, तेंदुए को चिड़िया घर ले गए वनकर्मी। रात में सोते वक्त किचन में घुसा था तेंदुआ, सुबह जगने पर घर की मालकिन ने देखा तेंदुआ। किचन में बंद होने पर तेंदुए ने की भागने की कोशिश, तेंदुआ कहां से आया इसका पता नहीं। मेक्सिको में मां से बिछड़ा वेल का बच्चा, समंदर किनारे लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। मेक्सिको की पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारियों ने वेल के बच्चे को बचाया, समंदर की लहरों में वापस छोड़ा गया वेल का बच्चा।